वेलकम, वेलकम, वेलकम बैक टू माय नेम इज अनन्या योर इंग्लिश मेंटर स्वागत है आप सभी का इस अमेजिंग से सुपर मॉक टेस्ट में, जिसमें मुझे बताइए कैसे हैं आप सब लोग एंड मेरी ऑडियो वीडियो आप तक क्लियरली पहुंच रही है कि नहीं प्लीज लेट मी नो एवरीवन एम आई क्लियर नमस्ते हेलो कैसे हैं आप लोग चलिए ओके तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की विदाउट एनी फर्दर डिले मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए बस मैं टेलीग्राम पे शेयर करके आऊँ आप भी सारे लोग जितने लोग यहाँ पर हैं जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिए सेशन को जिससे कि मैक्सिमम लोग आ पाए इस सेशन को देख पाए और क्योंकि सेशन भी समझ लीजिए असली पता तभी चलेगा जब यहां पे सारे लोग होंगे है ना अदरवाइज तो पता ही नहीं चलेगा कॉम्पिटिशन की असली है क्या जब ज्यादा लोग नहीं होंगे तो इसलिए जाइए इसको शेयर करके आइए ठीक है चलो ऑल राइट right. तो बस हम टेलीग्राम पे शेयर कर दें आप लोग भी शेयर कर दो फटाफट से एक सेकंड के अंदर और जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेगा ठीक है पीछे मैंने नाम लिख के दे दिया है आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का सारे पीडीएफ वहां पे मिलते हैं सारे नोटिफिकेशंस भी आपको यहीं पर मिल जाते हैं ठीक है फिफ्टी क्वेश्चन बिल्कुल रैपिड वे में बिल्कुल फास्ट हम यहां पर करेंगे ठीक है पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन question... ये रहा चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज हेयर आई कुड नॉट टेक हिस्स कार बिकॉज इट वॉज रिपेयरिंग I could not take his car because it was repairing. आप लोग मुझे बताइएगा कि इसमें गलती क्या है कोई गलती है भी या नहीं क्या पता कुछ भी गलत ना हो तो आप लोग मुझे बताइए क्या इसमें कोई गलती है ऐसा कुछ लग रहा है कि कुछ गलत है इसमें बताइए जरा सब लोग जल्दी से कुछ गलत है इसमें कोई गलती दिख रही हो तो सब लोग बताओ यहां वेट नहीं करो किसी का सबसे पहले आंसर आपको देना है सबसे पहला आंसर आपका होना चाहिए ये सोच के आंसर करिए देखिए आई कुड नॉट टेक हिज कार बिकॉज़ इट वाज रिपेयरिंग इस स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट लिखा है इसका मतलब ये है कि मैं उसकी कार नहीं ले पाया क्योंकि वो रिपेयर कर रही थी कार क्या रिपेयर कर रही होगी कार थोड़ी ना किसी को रिपेयर कर रही थी कार रिपेयर हो रही थी सेंस किसका आया पैसिव का आया और कार रिपेयर हो रही थी सेंस अगर पैसिव का है तो क्या हो जाएगा कार वॉज गेटिंग रिपेयर क्या हो जाएगा कार वास गेटिंग रिपेयर क्योंकि वो रिपेयर हो रही थी भाई कार किसी को रिपेयर कर नहीं रही थी कार रिपेयर हो रही थी सो इट इज गेटिंग रिपेयर डाउट्स किसी को कोई भी नई डाउट है तो सेशन के लाइक बटन को तो क्लिक कर दो फटाफट से जाइए सेशन को लाइक करिए जिससे कि आपकी अटेंडेंस यहाँ पे मार्क हो जाए अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है नरेशन आई आस्ट हिम वेर ही हैड गॉन इन हिस्स कार द प्रीवियस डे कौन देगा आंसर लेट्स सी बीइंग रिपेयर्ड भी हो जाएगा आयुषी बीइंग रिपेयर्ड भी हो सकता है गेटिंग रिपेयर्ड भी हो सकता है नो इश्यू दोनों सही हैं। एक सवाल को हम बहुत तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं

Where were you going? ये तो कॉन्टिन्यूस है इसको हटाओ वेयर यू वेंट सिंपल Where यू गो इन योर कार yesterday होना चाहिए फिर वेयर डिड यू गो क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है क्वेश्चन में हमेशा इन्वर्जन आता है ये रहा इन्वर्जन ऑप्शन नंबर फोर इसका राइट आंसर डायरेक्ट स्पीच में हमेशा इन्वर्जन आता है ठीक है समझ में आया इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर कोई शक ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा ठीक है चले आगे अगला सवाल आपके पास आंसर बताइए सब लोग इन्वर्जन का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आए सब्जेक्ट बाद में आए नॉर्मल स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब बाद में आती है सब्जेक्ट पहले आता है ठीक है चलो आंसर आना शुरू हो गए हैं यहाँ पे सबके बट देखते हैं आंसर सही आ रहा है कि नहीं आंसर आ तो रहे हैं बट सही आ रहा है कि नहीं द विलेजर्स वर हार्वेस्टिंग वर हार्वेस्टिंग से पता चलता है कि जो टेंस है वो है यार पास्ट कॉन्टिन्यूस ये टेंस है पास्ट जरा ऑप्शन में ढूंढो पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहा है इज बींग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है रॉन्ग वॉज बींग है पास्ट कॉन्टिन्यूस इसको होल्ड पे रखते हैं Has been. Present perfect. है भी गलत. आंसर हो हो ऑप्शन ऑप्शन नंबर नंबर सी सी सीधा सीधा आंसर हो गया, किसी को तो तो हमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ से हो जाते हैं आपके active, passive के maximum question. जब नहीं लगता तो हम दूसरा रूल यूज करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी अपनी पोजीशन चेंज करेगा वो भी नहीं लगता तो हम तीसरा यूज करते हैं कि पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ठीक है चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए अगला सवाल आपके सामने रहा आंसर दीजिए सब लोग लेट्स सी बी ई आई एन जी बी कॉन्टिन्यूस टेंस में लगता है हमेशा और बी डबल ई एन बी परफेक्ट टेंसेस में लगता है ठीक है अगला क्वेश्चन आपके सामने है लिखा हुआ है प्लीज स्टैंड इन अ क्यू प्लीज स्टैंड इन अ क्यू फटाफट से बताओ ऑर्डर अगर प्लीज बोला है टीचर ने तो ऑर्डर नहीं होगा सेड द टीचर सेड द स्टूडेंट्स सेड के बाद हमेशा टू लगता है ये गलत हो जाएगा और सेड कभी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में नहीं लगता टोल्ड लगता है तो ये गलत हो जाएगा टोल्ड द स्टूडेंट्स टू बी स्टूड टू बी स्टोर्ड यहां पर गलत है ठीक है सबसे बेटर प्लीज जब भी आता है तो रिक्वेस्टेड तो आता ही आता है ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर कोई शक प्लीज के चलते रिक्वेस्ट हमेशा आता है है ना चलिए अगला सवाल देखो जरा आंसर बताइए हम एक सेकेंड में वो क्वेश्चन कर लेते लेकिन मैंने आप लोग को ऊपर वाले एक्सप्लेन किए कि वो क्यों नहीं होंगे ठीक है चलिए बताइए आंसर अंजू से यू कैन स्टे विद आस वेर एवर यू आर इन वेर एवर यू आर इन डेली आंसर बताइए फटाफट पत से आंसर बताइए सब लोग जल्दी जल्दी से देखो जरा यू कैन स्टे विद आस यू आर इन डेली आई वेटिंग फॉर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए मैक्सिमम का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया है यू कैन कैन हमेशा चेंज होता है कुड में ठीक है इन दोनों में देखो क्या एज इट इज लिखा है इन दोनों को पहले ही एलिमिनेट कर दो अंजू टोल्ड विजया दैट शी कुड स्टे विद देम व्हेनेवर शी यू यू थोड़ी ना आएगा इनडायरेक्ट हो रहा है व्हेनेवर जब भी वो दिल्ली में हो जाता तो तुम दिल्ली में नहीं हो जब भी वो दिल्ली में है वो उनके यहां के रह सकती है इसलिए ये वाला गलत ये वाला सही ठीक है एलिमिनेशन से ही सबसे इजीली होता है आपका हाँ जी एक्टिव पैसिव और नरेशन अगला क्वेश्चन देखो जरा और आंसर बताइए दPoor washerwoman washes dirty clothes from morning to evening कौन देगा आंसर जल्दी से बताइए फटाफट से हम्म hmm? एक बार सारे लोग जो लोग बाद में आए हैं सेशन के लाइक बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही सन्नाटा ऐसा लग रहा है है कि दिस सेशन ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे इतना लो डल सा सेशन ये लग रहा है क्यों ऐसा एग्जाम खत्म होते ही पढ़ना क्यों बंद कर देते हैं मुझे समझ में नहीं आता ऐसे तो फिर स्कूल्स वगैरह में भी होना चाहिए एग्जाम खत्म हुए स्कूल बंद हो जाने चाहिए जाओ भैया छुट्टी जाके ऐश करो एग्जाम से एक हफ्ते पहले स्कूल खुले कि भैया भैयाओ पढ़ो और पेपर दो ऐसे तो होता नहीं है पूरे साल पढ़ाई कराई जाती है और यही हमारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं जब वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने चलते हैं एग्जाम देकर बैठ के आराम कर रहे हैं सोचा आप एक हफ्ते पहले पढ़ेंगे यार तो बस निकल जाती है सारी की सारी हेकड़ी एग्जाम से पहले तो ये चीज नहीं करनी है ठीक है अब देखिए जरा ध्यान से बिल्कुल वा पुअर वॉशिस सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ये नहीं है ये नहीं है आर के साथ बीइंग कॉन्टिन्यूअस होता है ये भी गलत ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सीधा सीधा ठीक चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन एक idiom होता है ऑन टेंथ हुक्स ऑन टेंथ हुक्स बताइए जरा हम्म चलिए

ठीक है अगला सवाल देखिए और बताइए जरा इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन कह रहा है क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड ऑफ नाइफ और सोर्ड सब लोग बताइए चाकू या तलवार के जो कवर होते हैं उनको आप क्या कहते हो ठीक है नवीन डान उनका जो कवर होता है उसको आप क्या कहते क्या हो बताइए कैरियर केस शीत शील्ड क्या कहते हैं म्यान कहते हैं बिल्कुल आया होगा ये सवाल पूछा बहुत बार पूछा गया है ये डिफेंस और डिफरेंट एस एस एग्जामिनेशन में बहुत पूछा गया है ये सवाल शीत कहते हैं म्यान ठीक है कैरियर जो चीज कैरी करे कुछ कैरी करने वाली चीज जैसे कि मॉस्किटो डेंगू का कैरियर होता है कैरी करता है डेंगू एक से दूसरे तक पहुंचाता है पुच्चियां लेकर लोगों को है ना तो क्या होता है वो कैरियर होता है डेंगू मलेरिया को कौन मॉस्किटोज ठीक है फिर केस किसी चीज को रखने के लिए केस होते हैं फोन में हम केस लगाते हैं सबको पता है ठीक है और शील्ड शील्ड का मतलब क्या होता है बचाव के लिए जो चीज लगती है ठीक है बचाव के लिए जो चीज लगे वो शील्ड है प्रोटेक्शन के लिए तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू दैट इज शील्ड शीत अगला सवाल है आपके पास आंसर बताइए जरा जल्दी से सब लोग मुझे आंसर बताओ जरा जल्दी जल्दी से सी कम ऑन गाइस फास्ट जल्दी जल्दी से सब लोग बताओ चलो आप देखना जरा बिल्कुल गौर से सब लोग इस सवाल को कह रहा है इसमें से गलत स्पेलिंग किसकी है फैक्सिनेट की स्पेलिंग क्या होती है एफ ए एस सी आई एफ ए एस सी आई एन ए टी ई एफ ए एस सी आई एन ए टी ई होता है फैक्सिनेट किसी को अट्रैक्ट करना फैक्सिनेट करना ठीक है चलिए बाकी सारे वर्ड्स क्लियर है सारे वर्ड्स की स्पेलिंग सही है ठीक है चलिए आर्किटेक्ट ऑप्शन एप्सिस कोई दिक्कत इसमें एप्सिस क्या होता है कोई ऐसा फूला सूज जाता है जो एरिया और दर्द होता है कहीं पर चोट लगती है सूज जाता है दर्द होता है वो एरिया एप्सिस कहलाता है ऑप्शन का मतलब क्या होता है बहुत ही ऑफेंसिव बहुत ही रूड चीज ऑफ वो कहलाती है ऑप्शिन कहलाती है ठीक चलिए अगला सवाल देखो और बताइए आंसर जरा एक वर्ड होता है फॉर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉम्ब कौन बताएगा रियरिंग ऑफ सिल्क नॉर्म्स के लिए जो टर्म यूज होता है क्या कहलाता है देखो जरा लेट सी हम्म चलो आंसर बताइए रियरिंग ऑफ सिल्क को हम कहते हैं सेरीकल्चर क्या कहते हैं सेरीकल्चर कहते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है हॉर्टिकल्चर क्या होता है गार्डन फ्रूट्स फ्लावर्स उगाना दैट इज हॉर्टिकल्चर ठीक है फिर एक वर्ड होता है पिस्की कल्चर कल्चर क्या होता है मछली पालन पिस्की कल्चर होता है ठीक चलिए क्या चल रहा है भाई हां जी हां जी बिल्कुल हो जाएगी दीनानाथ आपकी प्रिपरेशन अगर आप रेगुलर रहेंगे तो अगला सवाल आपके सामने है आंसर बताइए लेट्स सी चलिए मेरी क्लासेस का अगर आपको प्रॉपर स्कड्यूल नहीं पता है टे, टेलीग्राम इज द सोर्स ठीक है टेलीग्राम एक ऐसा सोर्स है जहां पे सारी क्लासेस का क्लासेसूल मिल जाएगा आपको सारी क्लासेस का नोटिफिकेशन शेयर कर दिया जाता है आपके साथ चलिए द स्टूडेंट स्टूड आप नो सूनर द प्रिंसिपल एंटर क्लास जैसे ही प्रिंसिपल ने एंटर किया सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए द प्रिंसिपल इंटर द क्लास जैसे ही प्रिंसिपल ने एंटर किया सारे स्टूडेंट्स खड़े हो गए कोई शक दिक्कत परेशानी चलिए अगला सवाल देखो जरा बताइए एन इंट्रोडक्शन टू वर्क ब्लब प्रोलॉग सीक्वल, एपीलॉग बताइएगा जरा कौन देगा इसका आंसर ब्लब प्रोलॉग सीक्वल, एपीलॉग क्या कहलाएगा जल्दी से बताइए प्रोलॉग ओके आंसर प्रोलॉग आ रहा है यहां पे बाकी लोगों का देखते हैं ब्लर्ब प्रोलॉग सीक्वल एपिलॉग किसी किताब का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बुक ठीक किसी बुक का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कहलाता है किसी फिल्म का भी बेसिकली प्रमोशनल पर्पज के लिए होता है ये प्रोलॉग होता है जो किसी किताब का किसी लिटरेरी वर्क का इंट्रोडक्शन होता है सीक्वल क्या होता है किसी का पार्ट नंबर टू सीक्वल ठीक है और एपीलॉग हो होता है जो किताबों के बाद में लिखा जाता है उसके बारे में और डिटेल बताने के लिए कि कहानी के बाद कैरेक्टर्स के साथ क्या हुआ उसके लिए एपीलॉग होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और झट से आंसर बताइए जरा सब लोग एंड गाइज वन मोर थिंग एक न्यूज आप लोग को और देनी थी आज आपकी क्लासेस नहीं हुई थी बिकॉज आज रक्षाबंधन था और कल आई ऑन लीव तो मैं कल आपकी कोई भी क्लास नहीं हो पाएगी आई सॉरी फॉर दैट क्लासेस आपकी संडे को आपकी मैराथन चलेगी कल सैटरडे को जगराता भी नहीं हो पाएगा जगराता सिर्फ संडे को है आज इस बार सिर्फ सीधे संडे को आपकी जगराता क्लास होगी दस से बारह रात में फिर मंडे से रेगुलर क्लासेस जो होती हैं ठीक है ठीके? चलिए सो so, रचना वॉज एंग्री विद हर फादर बिकॉज ही डाइड ही डिड नॉट टेक हर टू द जू ही हैड जैसा प्रोमिस किया था वो उसको नहीं ले गए नहीं ले जाना पास्ट इवेंट है लेकिन प्रॉमिस किया होगा पास्ट के भी पास्ट में तब दो इवेंट पास्ट के होते हैं तो जो इवेंट पहले हुआ होता है वो पास्ट परफेक्ट में जो बाद में हुआ होता है वो सिंपल पास्ट में दैट्स द रूल ऑफ टेंसेस तो क्या हो जाएगा रचना वॉज एंग्री विदर बिकॉज ही डिड नॉट ही डिड नॉट टेक हर टू दू एज प्रोमिस जैसा प्रोमिस किया था ठीक है एक दिन में हाँ, एक दिन में गोवा जाके घूम आएंगे और संडे को क्लासेस ले लेंगे ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए बताइए आंसर सब लोग देखे भाई इसका कौन दे पाता है थोड़ा एनर्जी वेनर्जी इतने डल हो यार फिर मन नहीं करेगा क्लास लेने का ऐसे कैसे चलेगा यार बताइए हाँ यार कल कोई क्लास नहीं हो पाएगी चलो आंसर बताओ महेश इज वेरी हैप्पी बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए शेयर हैज क्या हो जाएगा शेयर की वैल्यू बढ़ने पे इंसान खुश होता है डेमिनिश का मतलब कम होना कम होने पे तो खुश होगा नहीं complimented का मतलब तारीफ से रिलेटेड इन दोनों का मतलब तारीफ से रिलेटेड है कोई सेंस नहीं बना शेयर की तारीफ करने पे कोई थोड़ी ना खुश होता है appreciated का मतलब किसी चीज को बढ़ने के लिए भी एक टर्म होता है appreciated। तो यस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर Not for two. Appreciated is the right answer. ठीक है वैल्यू बढ़ने से वो बहुत प्रसन्न था खुश था ऑसम अमेजिंग ऑकवर्ड एप्सोड ऑफ फुल जल्दी जल्दी से बताइए आंसर सारे लोग फटाफट फड़ से कमान 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 क्या वर्ड हो जाएगा ऑसम अमेजिंग ऑकवर्ड एपसर्ड ऑक फुल बताइए भाई ओके देखो पूछ क्या रहा है ऑसम awesome का आपसे पूछ रहा है सिनोनिम ऑसम awesome और अमेजिंग दोनों का ही मतलब होता है एकदम गजब की चीज गजब की चीज कहलाती है ऑसम awesome और अमेजिंग ऑकवर्ड एपसर्ड ऑफ फुल इन तीनों का मतलब होता है अजीब ठीक है अजीब बेढंगा तो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर वन ठीक अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए आंसर इसका पटेल प्लेड एवरी गेम दैट वॉज प्लेड इन द स्कूल बताओ आंसर लेट्स सी पटेल प्लेड एवरी गेम दैट वॉज प्लेड इन द स्कूल दैट वॉज प्लेइंग इन द स्कूल होना चाहिए दैट वॉज प्लेइंग इन स्कूल अगर दैट वॉज प्लेइंग लगा दोगे ना तो यहां पर गेम को सब्जेक्ट बनना पड़ जाएगा जो भी गलत हो जाएगा गेम नहीं खेलता था अभिषेक कौन है ये पटेल पटेल खेलता था गेम किसी को नहीं खेल रहा है पटेल खेल रहा है गेम को नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है कोई गलती इसमें नहीं है देखो जरा पटेल प्लेड एवरी गेम पटेल ने हर वो गेम खेला जो स्कूल में खेला जाता था दैट वॉज प्लेड इन स्कूल खेला जाता था वो हर गेम खेलता था नो इम्प्रूवमेंट इज द राइट आंसर ठीक बींग प्लेड होता हो सकता था बींग प्लेड अगर यहां पे वॉज होता तो ठीक इसलिए बींग प्लेड वाला भी गलत है चलिए एक बार सारे लोग जरा सेशन को लाइक करो जितने लोग यहां पर एक्टिव हो इंटरेस्टेड हो सेशन के अंदर जस्ट क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शो मी सारे लोग एक बार चलिए चलिए आंसर के देखिए क्वेश्चन देखिए आंसर कैसे देखोगे आंसर हम नहीं दिखाएंगे हम कोई आंसर नहीं दिखाते हैं चलिए आई विल नॉट बी एबल टू लीव फॉर होम आंटिल माई बॉस अराइव इन दिस ऑफिस नॉट स्कूल क्या होना चाहिए Until my boss arrives, until के बाद present tense आता है मेरे दोस्त Basically ये है क्या सिंपल टाइप वन कंडीशनल है ये टाइप वन कंडीशनल है देखो ना ध्यान से बस कंडीशनल वर्ड इफ की जगह अंटिल यहाँ पे लिखा हुआ है ध्यान से देखो सो आई विल नॉट बी एबल टू लीव फॉर होम अंटिल माय बॉस अराइव इन दिस ऑफिस अराइव इन दी ऑफिस ठीक है ऑप्शन नंबर फोर इज द राइट आंसर ठीक चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखिए और बताइए हमें इसका आंसर सब लोग डेफिसिट द वर्ड इज डेफिसिट शॉर्टेज अबंडेंस कास्टी मैनिफॉल्ड कौन देगा आंसर बताइए भाई लेट्स सी डेफिसिट शॉर्टेज अबंडेंस शॉर्टेजेंटी अबंडेंस होना चाहिए अच्छा शॉर्टेज का मतलब कमी अबंडेंस का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा है स्कासिटी का मतलब भी कमी और मैनिफोल्ड का मतलब मल्टीपल मैनी क्या कहते हैं इसको मेनी या फिर मल्टीपल अब आंसर क्या हो गया आपका सीधा सीधा आंसर है अबंडेंट अबंडेंस ठीक है अबंडेंस मतलब ज्यादा डेफिश कम राइट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और बताइए रश्मि एंड मी आर प्लानिंग टू गो ऑन रोड ट्रिप टू मनाली नेक्स्ट समर क्या बात है क्या बात है आंसर बताइए भाई कुछ गलती है क्या इसमें कोई गलती किसी को अगर पता चल रही है पीडीएफ गाइस आप में से कोई भी अगर ऐसा है जिसको कंफ्यूजन होती है कि मेरी क्लास कब चलेगी कब नहीं चलेगी पीडीएफ कहाँ मिलेगा मैम से डाउट कहां पर पूछें तो एक ही आंसर है इतने सारे सवाल और एक जवाब मेरा टेलीग्राम ग्रुप है अनन्या मैम अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक अनन्या मैम अंडर स्कोर टेक्सट बुक है इसको आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके और ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम ग्रुप है बेसिकली ठीक <laughs> ये कौन बता रहा है कि मनाली की जगह गोवा होगा बहुत गलत बात है बहुत पिटाई खाओगे आप लोग ऋषि बहुत पिटाई पड़ेगी यहाँ पे चलो हां जी रश्मि एंड आय रश्मि एंड आय ठीक है क्योंकि सब्जेक्टिव की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है ना रश्मि और मैं सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस यूज होगा आई इज द सब्जेक्टिव केस मी ऑब्जेक्टिव होता है ठीक बिल्कुल सही अगला सवाल जरा देखिए और बताइए हमें इसका आंसर। Hang up your boots. इसका आंसर मतलब क्या होता है, Hang up your boots. है शंकर मी कभी आप सब्जेक्ट स्टेटमेंट में जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट होता है और हम उसको हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखते हैं ठीक है इसलिए कभी यूज नहीं हो सकता मी

नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप कह रहा है सीईओ वेंट अगेंस्ट द एडवाइजरी कमिटी डैश द सीईओ वेंट अगेंस्ट reduction recommendation इंफॉर्मेशन कौन देगा आंसर? बताइए फटाफट से सारे लोग नेचुरल प्रोटीन लेते हैं नेचुरल प्रोटीन लीजिए चलो भाई देखे कौन देगा आंसर इसका रिकमेंडेशन बोल रहे हैं यहां पर अच्छा सीईओ वेंट अगेंस्ट एडवाइजरी हां जी बिल्कुल सही जवाब है एडवाइजरी कमेटी ने जो सलाह दी थी जो रिकमेंडेशन दिया था उसके अगेंस्ट गया कौन सीईओ बिल्कुल सही है कमेटी मतलब क्या रिस्पॉन्स के अगेंस्ट जाना कोई सेंस नहीं बना इंट्रोडक्शन के अगेंस्ट जाना कोई सेंस नहीं बना और इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट जाना कोई सेंस नहीं बना यहां पे किसी चीज के खिलाफ जाने की बात करी जा रही हो और हम रिकमेंडेशन किसी की सजेशन के खिलाफ जा सकते हैं है ना चलिए वेरी गुड अच्छा क्वेश्चन था ये अगला सवाल देखो जरा हम ड्रम हम ड्रम इज क्वेश्चन। बताइए जरा आपसे पूछ क्या रहा है यहां पे। जल्दी जल्दी से फटाफट से लेट्स सी ओके okay, ओके okay. चलिए देखिए जरा ध्यान से सब लोग नॉइजी ही यहां पर बोल रहे हैं हमड्रम का मतलब होता है बहुत ही बोरिंग सी चीज एक कहां से आंसर याद कर रहे हो भाई हमड्रम का मतलब होता है बहुत बोरिंग बोरिंग मोनोटनस उल्टा हो जाएगा नॉइजी शोर शराबा वाली चीज नॉइजी कहलाती है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू कमाल करते हो यार हम तो को तो लग रहा है फिर अब बीच में मैं कल छुट्टी लूंगी और परसों तो सारे एकदम डब्बा गुल हो जाएगा क्या यहाँ पे छुट्टी वाले दिन रिवाइज कर लिया करो यार थोड़ा बहुत रिविजन कर लीजिए जिससे हमको भी ना लगे कि यार हम छोड़ रहे हैं तो कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो आप लोग चलो बोले ना चाइना शॉप चाइना शॉप क्या होती है क्रॉकरी स्टोर जहां पे चीनी मिट्टी के चाइना बोन चाइना सामान वगैरह मिले दैट इज तो अ चाइना शॉप सो so, बोन चाइना शॉप किसी चाइना शॉप में अगर बुल घुस गया है तो सींग मार के सबको ढहा देगा बिल्कुल क्लमजिली एक्ट करेगा बहुत ही क्लमजिली एक्ट करेगा और इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑकवर्ड क्लमजी पर्सन ऑप्शन नंबर वन बहुत ही ऑकवर्ड और बहुत ही क्लम्जी इंसान चलते फिरते चीजों को तोड़ रहा है है ना चलिए अगला सवाल देखो क्वेश्चन सेटेड बाय इराशनल इंथूजियाजम सब लोग बताइए आंसर इराशनल इंथूजियाजम ओके okay, प्लेलिस्ट okay. बन जाएगी क्लासेस की टेंशन मत लीजिए अरे भाई आंसर बताइए लेट्स सी चलो पर्सन मोटिवेटेड बाय इराशनल इंथूज मतलब हर चीज को लेकर थोड़ा सा ज्यादा उसके अंदर इंथू होता है स्पेशली रिलीजियस पर्पसेस के लेकर ये इंसान कहलाता है फैनेटिक थोड़ा सा कट्टर होता है ये रिलीजियस को लेकर होता है ठीक है तो आंसर हो जाएगा फैनेटिक फैनेटिक बहुत सारे भगवान को माने, जो भगवान को को माने माने एथियस्ट जो ही ना माने, और इनफिडल क्या होता है इनफिडल वो इंसान होता है जो भरोसेमंद ना हो ठीक है जो इंसान भरोसेमंद नहीं है जो किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करे वो इनफिडल कहलाता है किसी रिलीजन को फॉलो ना करने वाला ठीक है फैनेटिक इज द राइट आंसर चलिए अगला सवाल है आपके पास आंसर बताओ सारे देखो इसमें एरर कौन बता पाता है देखें जरा फटाफट से आंसर बताइए गाइस एक बार मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहूंगी मैंने आपको फिर से बोला था क्लास में एक टेक्स्ट को दो तीन बार से ज्यादा मत किया करिए क्योंकि इन दैट केस दैट स्पैमिंग और स्पैमिंग हमें ब्लॉक करनी पड़ेगी ठीक है तो कोशिश करिए आप आंसर दीजिए आपका अगर कोई सेंसिबल सवाल है तो उसका जवाब मैं दे देती हूँ अगर वो जवाब देने लायक है तो आपको ने भी ये चीज नोटिस करी होगी ठीक है सो इफ आई एम नॉट आंसरिंग स्टॉप आस्किंग दैट क्वेश्चन ठीक है अदरवाइज आई विल हैव टू ब्लॉक सो प्लीज मेंटेन द ऑफ क्लास चलो कह रहे हैं लोग यहाँ पर प्लेइंग होना चाहिए जानव वॉज प्लेड विद हर फ्रेंड्स बिल्कुल सही है हाँ जी एक काम के दौरान दूसरा काम हुआ है मतलब एक काम भी कॉन्टिन्यूएशन में है और दूसरा काम हुआ है इसलिए टेंस होना चाहिए प्लेइंग प्लेइंग विद विद हर फ्रेंड्स ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रहा ये रहा मैं आप सबके कमेंट्स देख लेती हूँ डोंट वरी एट ऑल लेकिन कभी कभी ना आप खुद सोचिए जब आप बार बार कॉमेंट कर रहे हो ना तो मुझे आंसर वाले कमेंट्स देखने में डिस्ट्रैक्शन होता है ठीक है चलिए अगला सवाल बताइए जल्दी से Let's see. Exhaustive होना चाहिए पूछ रहा है इनमें से स्पेलिंग सही किसकी है भाई स्पेलिंग किसकी सही है एक वर्ड होता है एग्जॉस्ट ठीक है एग्जॉस्ट आई वीई लगा दो एक्सॉस्टिव हो गया एक्सॉस्टिव हो गया थका देने वाली चीज एकदम थका के चूर कर दे जो चीज वो चीज एक्टिव होती है ठीक आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फटाफट से आंसर बताइए हमको सब लोग क्या कह रहा है डैश ही प्लेज वेल ही है टीम अन बिकॉज सब लोग बताओ आंसर और सेशन को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई इतने लोग यहां पर हो मुझे नंबर ऑफ लाइक से पता ही नहीं चल रहा कुछ एनर्जी है भी आके आपके अंदर की नहीं हाँ चलिए हालांकि वो अच्छा खेला फिर भी सिलेक्ट नहीं हुआ टीम में हालांकि वो अच्छा खेलता है बट फिर भी वो टीम में सिलेक्ट नहीं हुआ दो ही प्लेज वेल हालांकि अच्छा खेलता है फिर भी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ ठीक है अगला सवाल ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के देने वाला सवाल है तो जितने भी आप लोग हैं बिल्कुल ध्यान से क्योंकि पता है ये इस टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपको पांचों एक बार में आंसर करने हैं समझ रहे हो कैसा है ये ये क्वेश्चन सोच समझ के देने वाला क्वेश्चन है इसमें टाइम लगेगा आपको तो सोचिए पैसेज पढ़ के आपको मैच करना है पांचों एक ही ऑप्शन में है देखो ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा देख नहीं रहा है क्या बताइए जरा किसी को नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा क्या एक बार सोच के बताइए वरना फिर हम इसको आगे बढ़ा देंगे स्किप कर सकते हैं हम नहीं दिख रहा है चलिए छोड़िए फिर आई स्किप क्योंकि ये ज़ूम यहां पर मैं कर भी नहीं पाऊंगी ठीक है कोई बात नहीं लेट्स स्किप दिस अगला क्वेश्चन बताइए द प्लेयर्स रिटर्न टू द डेलाटेड होटल आंसर बताओ देखिए भाई लेट्स सी कौन देगा इसका आंसर सब लोग बताइए भाई गलती बतानी है ध्यान से देखो द प्लेयर्स रिटर्न टू द होटल डैश देम डायपिडेटेड होटेलो अलॉट किया गया था जो उनको अलॉट किया गया था दट वॉज टू देम दैट वॉज एलोकेटेड टू देम जो उनको अलॉट किया गया था ठीक है क्लियर जो उनको अलॉट किया गया था दैट वॉज अलॉटेड टू देम ठीक है ऑप्शन नहीं है अभिषेक हेड के साथ बीन नहीं लगा है ऑप्शन में देखो ऑप्शन में तो एक आंसर देना है ठीक है बुरी कंडीशन में होटल था डॉपिडेटेड चलिए अगला सवाल बताइए टू लूज वंस वंस हेड इसका मतलब का मतलब क्या होता है वॉट डू यू ऑल मीन बाय टू लूज वंस हेड चलिए बताइए टू लूज वंस हेड ओके सेल्फ कंट्रोल कौन देगा आंसर लूज लूजिशन सेल्फ कंट्रोल वेलियंटली इन अ वॉर, सेल्फ कंट्रोल आपा खो देना इसको हम बोलते हैं है ना पूरा का पूरा आपका जो कंट्रोल है सब आपके दिमाग में ही है तो आपा खो देने को ही हम बोलते हैं टू लूज वंस हेड टू लूज सेल्फ कंट्रोल ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर ठीक है चलू आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा बिल्कुल ध्यान से सारे लोग सवाल कहता है आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट टिल टू ओ क्लॉक दिल्ड्रेन एट देर लंच एंड टू होम सब लोग बताओ चलिए स्टेटमेंट अंकित इट्स वेरी गुड बाकी लोग भी स्टेटमेंट बना लिया करो यार बहुत फायदे की चीज होती है स्टेटमेंट चलिए फॉर होना चाहिए आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट टिल द एट देयर लंच लेफ्ट फॉर होम घर के लिए चले गए लेफ्ट टू होम की जगह हो जाएगा लेफ्ट फॉर होम लेफ्ट फॉर होम का मतलब होता है घर के लिए चले गए हां जी हां जी बिल्कुल सही जवाब है लेफ्ट फॉर होम एप्सोल्यूटली राइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और फटाफट से जरा आंसर बताना सब लोग स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है वॉट डू यू ऑल मीन बाय स्पिल द बीन्स बताइए जल्दी जल्दी से

सब लोग बताओ आंसर फटाफट से देखें जरा लाइंग दो वर्ड्स होते हैं एक वर्ड होता है लाए और एक वर्ड होता है ले इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए लाए और ले लाए का मतलब क्या होता है लाए का मतलब होता है लेटना और ले का मतलब क्या होता है ले का मतलब होता है, मतलब होता है किसी चीज को लिटाना लेटाना, ठीक आप सुनिए वो जो नोट थी उसको किसी ने रखा नहीं है वो खुद पड़ी हुई है पड़ी हुई नोट मिली है ना उसको ठीक तो सुमन फाउंड अ हंड्रेड रुपी नोट लेड नहीं लाइंग ऑन द टेबल सॉरी नॉट टेबल रोड लाइंग ऑन द रोड ऑप्शन नंबर वन लाइंग ऑन द रोड कंग्रेचुलेशन प्रियंका मेनी मेनी कंग्रेचुलेशन फाइनली Hard work paid off. very पेड ऑफ वेरी गुड good न्यूज चलिए आंसर बताइए वेरी गुड ऐसे ऐसी अच्छी अच्छी न्यूज सुनाते रहा करिए हमको अपने सिलेक्शन की ठीक है चलो देखो और बताओ आंसर एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन लाइफ रिटर्न बाई सेल्फ खुद से लिख रहा है तो ऑटोबायोग्राफी किसी और की लिख रहा है तो बायोग्राफी ठीक है कार्टोग्राफी क्या होती है मैप बनाने की कला ठीक है कैलीग्राफी सुंदर हैंडराइटिंग की कला ठीक ऑटोबायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी इज़ द राइट right आंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और आपसे बताएं हमें आओ भाई क्वेश्चन कहता है मरियम डैश टू एनी वन आशी वॉज आंग्री मरियम डैश टू एनी वन आशी वॉज आंग्री देखो जरा कौन देता है आंसर आशीर्वाद हमारा साथ है आपके सूरज ऑल द बेस्ट चलो भाई जल्दी देखो शी वॉज आंग्री टेंस क्या है टेंस है पास टेंस पास टेंस है तो यहां क्या होना चाहिए डिड नॉट स्पीक डिड नॉट स्पीक होगा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है एंड दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब डिड नॉट स्पीक आगे चलो अगला सवाल है आपके सामने पॉपुलर इज द टर्म फेवरेट अंटाइडी स्पेसिफिक परिकुलर आंसर बताइए फेवरेट अंटाइडी स्पेसिफिक या फिर परिकुलर कौन देगा आंसर हम्म पॉपुलर पॉपुलर कौन होता है फेमस होता है जो सबका पसंदीदा होता है सबका चहेता होता है सबका फेवरेट होता है वही तो होता है पॉपुलर चहेता स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है कोई स्पेसिफिक चीज पर्टिकुलर चीज विशेष स्पेसिफिक पर्टिकुलर तो ये आंसर तो नहीं होगा इन दोनों का मतलब सेम है का मतलब गंदा ठीक है गंदा आंसर हो जाएगा फेवरेट ऑप्शन नंबर जितने भी लोग आंसर पलट रहे हो तो सबका आंसर दिखता है नजरे मेरी आपके सामने स्क्रीन पे ही रहती है सामने है मेरी स्क्रीन चल रही है जिसमें आपके कॉमेंट चल रहे हैं तो ये मत सोचना कि मैम इधर उधर भटक रही है मैम की नजरें बिल्कुल सामने है तो क्यों पलटते हो आंसर ठीक चलिए अगला सवाल है आपके सामने आंसर बताओ फटाफट फड़ से डिस्ट्रॉयर प्रियंका इज वेलकम कभी भी आइए लखनऊ और मुझसे मिलिए चलो क्वेश्चन देखिए डिस्ट्रॉय असिस्ट रिस्टोर प्रिजर्व या फिर रूमन क्या हो जाएगा आंसर लेट्स सी ओके okay, ओके okay. चलो डिस्ट्रॉय का पूछा है सिनोनिम क्या हो जाएगा रोहन रोहन किसी चीज को खराब करना ठीक है प्लेलिस्ट ढूंढ लीजिए मेरी ग्रामर की क्लास मिल जाएंगी आपको खराब करना असिस्ट का मतलब मदद रिस्टोर का मतलब किसी को सही करना दोबारा पुरानी पोजीशन सही पोजीशन पे ले जाना और प्रिजर्व का मतलब भी किसी चीज को अच्छे से रखना प्रिजर्व करना ठीक है चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा बताओ भाई द डॉक्टर डैश वॉटर विदाउट एनी एडिटिव प्रेशियस पोटेंट प्लेन या फिर प्लीजेंट इतना सिंपल सा सवाल है फिर से फिर भी ये लोग इसको गलत करके आते हैं बताइए भाई लेट्स सी चलो डॉक्टर एडवाइस हिम टू कंज्यूम डैश वाटर विदाउट एनी एडिटिव वाटर में अगर कुछ मिला नहीं है तो वो वाटर कैसा है वो वाटर कीमती है प्रीशियस है नो no. वो वाटर ताकतवर है नो no. वाटर ताकतवर कहा होता है होता है यार बाढ़ वाड़ का पानी तूफान का पानी हो सकता है वाटर ना प्लेन वाटर होता है कहते हैं यार हमको एकदम सादा पानी प्लेन वाटर देना देना मेरम नहीं मिला देना एक पेग. ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री प्लेन वाटर सादा पानी कोई एडिटिव ना हो तो पानी सादा होता है प्लेन होता है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना और आंसर बताना इनफॉलेबल इम्परफेक्ट न्यूटोरियस डिपेंडेबल फ्लॉलेस कौन देगा आंसर इनफॉलिबल infallible. infallible. जल्दी जल्दी बताइए सब लोग ने बताइए भैया आंसर जल्दी जल्दी से इम्परफेक्ट इनफॉलिबल वो होता है जिसमें कोई फ्लॉ नहीं होती है जिसमें कोई फ्लॉ ना हो वो इनफॉलेबल है ठीक है आपसे आंटनिम पूछा है इम परफेक्ट इम परफेक्ट जो परफेक्ट ना हो जिसमें फ्लॉ हो ठीक है इनफॉलेबल मींस विदाउट एनी फ्लॉ विदाउट एनी फ्लॉ से अच्छा फ्लॉलेस लिख देते हैं फ्लॉलेस होता है ये ठीक है आपसे आंटनिम पूछा है तो इम हो जाएगा इम में मिस होती है फ्लॉज होती है नोटोरियस कौन होता है

बहुत गलत बात है आप क्वेश्चन नहीं देखते हो तो फ्री के नंबर अपने कटवा रहे हो कटवाइए पीडीएफ कहाँ मिलेगा मेरे क्लास का स्केड्यूल कहां पता चलेगा मैम से डाउट कहां पर पूछ सकते हैं इतने सारे क्वेश्चन एक जवाब अनन्या मैम अंडर स्को टेक्स बुक यह टेलीग्राम ग्रुप का नाम ठीक चलिए अगला सवाल आपके सामने है रेवेन्यू की स्पेलिंग क्या होती है रेवेन्यू की आर ई वी ई एन ई यू रेवेन्यू आर वी ई एन ई यू क्या हो जाएगा रेवेन्यू रेवेन्यू ठीक चलिए अगला सवाल है आपके सामने बुलबुल इज ऑनेस्ट गर्ल बट शी इज ऑल्सो वेरी रूड बुलबुल इज ऑनेस्ट गर्ल बट शी इज ऑल्सो वेरी रूड कौन देगा इसका आंसर जरा बताइए सब लोग जल्दी जल्दी से वो कैबलरी की क्लास डेली बेसिस पे चलती है बाकी भी क्लासेस मेरी आप देख सकते हो सारी क्लासेस मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं ठीक है ठेके? बताइए आंसर सब लोग फटाफट से लेट सी चलो क्वेश्चन देखो बुलबुल इज एन ऑनेस्ट गर्ल बुलबुल एक ईमानदार लड़की है लेकिन वो बहुत रूड है बुलबुल इज एन ऑनेस्ट गर्ल एक ईमानदार लड़की है ऑप्शन नंबर वन इज द राइट आंसर एन ऑनेस्ट गर्ल ठीक है आगे देखू नेक्स्ट देखिए और आंसर बताइए जरा फटाफट से हाड रजनी नॉट टेकन अ कैप टू द स्टेशन शी वुनेटली मिस द ट्रेन हमें आंसर दीजिए फटाफट से सारे लोग जल्दी से देखिए जरा कौन दे पाता है लेट्स सी ओके देखिए जरा सवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है ओके okay. देखिएगा जरा हैड रजनी नॉट टेकन अ कैब टू द स्टेशन ये कौन सा है आपका कंडीशनल कौन सा है टाइप थ्री अगर रजनी ने कैब नहीं ली होती तो वो ट्रेन डेफिनेटली मिस कर देती हैव मिस्ड द ट्रेन टाइप थ्री कंडीशनल है नहीं ली होती क्या आप तो पक्का उसने ट्रेन मिस कर दी होती ठीक है चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप आंसर बताओ जरा बिल्कुल सही है जल्दी जल्दी से सब लोग बताइए ठीक है आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला सवाल देखो बाकी अच्छा वर्ड्स की मीनिंग तो पता है ना ब्रिटल का मतलब क्या होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ईजिली टूट जाए वो चीज ब्रिटल होती है नाजुक ठीक वेसल का मतलब Vessel, एक फ्लास्क टाइप होता है जिसमें आप कुछ रख सकते हो लिक्विड वगैरह और केटल का मतलब होता है केतली है ना जिसमें चाय वगैरह आप रखते हो कुछ लिक्विड रख लेते हो वो केतली को हम केटल बोलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो um, ये रहा आई वुड बी एटर्नली इंडेप्टेड फ्रॉम यू इफ यू मी देखिए जरा इसका आंसर कौन देता है आई वुड बी एटर्नली इंडेप्टेड फ्रॉम यू इफ यू बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये फिक्स्ड प्रपोजिशन कोई भी स्टेटमेंट गाइस कोई भी पेपर इंग्लिश का प्रपोजिशन के बिना नहीं बनता फिक्स प्रपोजिशन के बिना नहीं बनता इंडेप्टेड का मतलब मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा अगर तुम मेरी मदद कर देते हो तो Indebted के बाद हमेशा to लगता है. Indebted is कर्जदार. इसके बाद हमेशा to लगेगा. I would be eternally indebted to you if you could help me. Option number four is the right answer. ठीक है? चले आगे अगले सवाल पे. ये देखो आपका अगला सवाल. I have no doubt that Girish is one of the most intelligent student in the entire district. बताइए आंसर आई हैव नो डाउट दैट गिरीश इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द एंटायर डिस्ट्रिक्ट मोस्ट हटा दें स्टूडेंट्स कर दें <laughs> देख लो एक बार ध्यान से ध्यान से देख कर आंसर दीजिए भाई लेट्स सी कौन देता है सही जवाब वन ऑफ के बाद वाला रूल तो पता ही है यार वन ऑफ के बाद क्या लगता है हमेशा प्लूरल नाउन लगता है जी स्टूडेंट्स लगेगा सो आई हैव नो डाउट ग्रीस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ठीक है जी. अगला सवाल देखो बताना आंसर जल्दी से देखते हैं कौन दे पाता है इसका आंसर हाँ? फटाफट से बताओ साहब जल्दी जल्दी ओके पनिश रिवॉर्ड का मतलब किसी को क्या देना तोहफा देना मतलब एक तरीके से अवार्ड देना किसी को उपहार उपहार नहीं प्राइज देना कुछ अच्छा किया है उसने उसका रिवार्ड देना उसको प्राइज देना ठीक प्रेज का मतलब तारीफ प्रोड्यूस का मतलब कुछ बनाना प्रेजेंट का मतलब हाजिर एंड प्रेजेंट का मतलब तोहफा भी होता है उल्टा हमको बताना है आंसर हो जाएगा पनिश पनिश का मतलब किसी को पनिशमेंट देना सजा देना ठीक है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर चले आगे अगला सवाल है आपके पास जरा आंसर बताइए हमको जल्दी जल्दी ले की स्पेलिंग क्या होती है फ्यूडल की स्पेलिंग बताइए सब लोग ओके ओके फ्यूडल एफ ई यू डी एल एफ ई एल फ्यूडल कहलाता है फ्यूडलिज्म से रिलेटेड है ठीक है हाँ जी रिलेटेड टू फ्यूडलिज्म अगला सवाल जरा देखो और बताना आंसर गाइज यही था आज का लास्ट क्वेश्चन तो ये था दोस्तों आज का आखिरी सवाल कैसा लगा आप लोग, को सब लोग कैसा लगा आज का सेशन गाइज आज का जो आप कह सकते हैं क्लोज टेस्ट वो थोड़ा गड़बड़ तरीके से आया था बहुत ही शॉर्ट उसका टेक्स्ट था तो कोई बात नहीं गाइज थोड़ा सा कुछ चेंजेस हुए हैं इस ये जो मेरी पीपीटी बनती है ना इसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं तो उसको मैनेज होने में थोड़ा सा नेक्स्ट तो अच्छा, क्लास तो आपकी जो है, होगी संडे को स्पेशल क्लास संडे को मैं आपकी क्लास लूंगी संडे को ऑल दो मुझे छुट्टी लेनी थी रेस्ट करना था बट चलिए संडे को आपकी दो घंटे की क्लास में लूंगी रात में दस बजे से बारह बजे तक ये क्लास आपको मिस नहीं करनी है क्योंकि एक बहुत अमेजिंग नोट कर लो रिमाइंडर लगा लो रिमाइंडर नहीं लगा पाओ ना तो सिर्फ और सिर्फ मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी कुछ नहीं करना है टेलीग्राम ग्रुप का नाम मैं आपको दे रही हूं ये है अनन्या मैम अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक इसको सर्च करना जाके और मिल जाएगा आपको मेरा ग्रुप सर्च करोगे ग्रुप मिल जाएगा ज्वाइन कर लेना वहां जाके सारी पीडीएफ नोटिफिकेशन में आपको वहां शेयर कर दूंगी जैसे ही सेशन स्टार्ट होने वाला होगा और सेशन स्टार्ट होने के बाद भी शेयर कर दूंगी ठीक है तो क्लास आपकी मिस बिल्कुल भी नहीं होगी ठीक है नहीं नहीं गाइज घर में ही कुछ पूजा वगैरह है कहीं जा नहीं रहे हैं घर में ही फंक्शन है रिलीजियस फंक्शन कुछ चलिए ये काम की बात कर लेते हैं आई डोंट नो क्योंकि मुझे खैर नहीं लग रहा है कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो और ऑनेस्टली आप लोग के जिस तरीके से रिस्पॉन्स कभी कभी करते हो उससे मुझे नहीं लग रहा है ठीक है मॉक टेस्ट आप लोग नहीं दे रहे हो जिस तरीके से देना चाहिए डेली बेसिस पे और गाइज इट्स नॉट अ गुड साइन सिलेक्शन का बहुत अच्छा साइन नहीं है ये कि आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो सो so प्लीज कोशिश करो आज से अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो ठीक है नहीं दे रहे हो तो शुरू कर दो क्योंकि इसके बिना सिलेक्शन होगा नहीं इतनी भीड़ है पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं हर साल बढ़ते जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन क्यों होगा खुद को थोड़ा सा एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाना पड़ेगा ना इस चीज के लिए ठीक तो आपको करना क्या है ऑल यू हैव टू डू इज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा पहला लिंक पहला लिंक क्लिक कर लेना आप पहुंच जाओगे पास पास के के पेज ऊपर पे आपको मेरा कोड लगा देना है कोड है क्या कोड से आप लोग को मिल जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट माय कूपन कोड इज ए एन एस पास ए एन एस पी ए डबल एस ए एन एस पास इज माय कोड इसको अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा कितना सीधा सीधा डिस्काउंट मिल जाएगा आपको टेन ट्वेंटी परसेंट का तो किस तरीके से कोड लगाना है ये मैं आप लोग को बता दे रही हूं ठीक है कैसे अप्लाई करना है कोड जस्टिस सेकेंड सिंपली आपको मेरी वीडियो दिख रही है ठीक है वीडियो के नीचे वाला जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर क्लिक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे पहला वाला लिंक क्लिक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पहला वाला लिंक जैसे ये मेरी वीडियो है ठीक ये वीडियो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स का पहला लिंक क्लिक करते ही लैंड कर जाओगे आप पास पास के के पेज ऊपर ये पास आपके लिए 580 से ज्यादा एग्जाम्स का काम करता है आप एक साल तक या तीन साल तक 580 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो सिर्फ चार सौ रुपए में पता है कैसे पहले देख लेना इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है तेरह हजार से ज्यादा प्रीवियस ईयर पेपर हैं पैतालीस हजार से ज्यादा मॉक टेस्ट हैं एंड 580 से ज्यादा एग्जाम्स इसके अंदर आपके कवर्ड हैं ठीक है तो मंथली पास जो है एक महीने का वो फो थ्री नाइन नाइन का है एक साल का फोर नाइन नाइन तीन साल सिक्स नाइन नाइन लेकिन आप ध्यान से यहां देखिएगा आपको आ, नीचे दिख रहा होगा अप्लाई कुपॉन ये जो आपको दिख रहा है ना अप्लाई कुपॉन आपको इसको क्लिक करना है अप्लाई कूपन को क्लिक करना है ठीक है आप इसको क्लिक करोगे यहां पे कोड डाल दीजिएगा एन एस पास क्या कोड डालोगे आप एन एस P -A -S -S, इस कोड को जैसे ही अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा 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 ऑफर पे वाला वाला हो जाएगा, 560 का, 499 वाला हो का का तो एक साल का मतलब जो भी आपको सूटेबल लगे या जाइए लेकर रखो मत टेस्ट जो डेली बेसिस पे जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो उस पर्टिकुलर एग्जाम एग्जाम का टेस्ट डेली बेसिस पे दीजिए ठीक है और टेस्ट दीजिए मेरे पास शेयर करो उसका स्क्रीनशॉट, उसका स्कोर कार्ड टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कशन ग्रुप पे डाल के मुझे टैग कर दीजिएगा ठीक चलिए सो so, मिलते हैं आपसे आप संडे को संडे को रात की वाली क्लास में कल तो क्योंकि आई बी ऑन लीव सो टेक केयर गाइस बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे गुड नाइट नॉट ग्रेट डे हैव अ गुड नाइट बाय बाय एंड थैंक यू बाय बाय